बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के सहयोग से सतर्कता जागरूकता सप्ताह को भ्रष्टाचार को नो कहें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध थीम के साथ मनाया। वहीं इस मौके पर यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर अकबर मसूद ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी समाज के लिए अभिशाप है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विश्वास को कमजोर करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है और देश के आर्थिक विकास को बाधित करता है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के अलावा बड़ी तादाद में छात्रों ने भाग लिया। एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में DC डोडा हरविंदर सिंह ने क्षेत्र में चल रहे राजमार्ग निर्माण और भूमि रिकॉर्ड की डिजिटलकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक का प्राथमिक फोकस राजमार्ग परियोजना की प्रगति और NHIDCL और राजस्व विभाग द्वारा भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की स्थिति का आकलन करना था। DC डोडा ने राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। नौशहरा में सतगुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा को समर्पित तीसरा महान संत सम्मेलन आयोजित किया गया। संत सम्मेलन स्वामी गुरदीप गिरिजी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर से आए संतों ने अपने प्रवचनों से संगत को निहाल किया। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में संगत कुछ संतों ने आग्रह किया कि वो प्रभु भक्ति से जुड़े अपने बच्चों को शिक्षित करें, नशों से दूर रखें और गुरु रविदास जी की बताई मार्ग पर चलें, सच्चे और अच्छे इंसान बने। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यदि वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो वो जनता के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगले चुनाव में चिनाब वैली में जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों पर भी निशाना बनाया और कहा कोई भी राजनीतिक दल या नेता इस विश्वास के साथ बात नहीं कर सकता, ये लोग सिर्फ वोटों के लिए लोगों का शोषण करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार जब वो सत्ता में वापस आए तो युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेंगे। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन ने कर्मचारियों को वेतन जारी करने में प्रशासन की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए 4 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन फ्रंट द्वारा घोषित प्रदर्शन का पूरा समर्थन करने का ऐलान किया है। महासचिव गुरमीत सिंह ने कहा कि ये यूपी प्रशासन की घोर लापरवाही है, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दीपों का त्योहार दीपावली करीब है। इन दिनों श्रीनगर के निशात इलाके के मोहम्मद उमर 27 वर्षीय युवा दिए बनाने में व्यस्त हैं। परिवार के लोग भी दिए बनाने और उसमें रंग लगाने में व्यस्त हैं। उमर का कहना है कि इस बार 20,000 दिए बनाएंगे। उन्होंने कहा जम्मू के होलसेलर ने 5,000 दियों का ऑर्डर दिया है। दियों की श्रीनगर के अलावा आसपास के इलाकों में मांग है। गौरतलब है कि मोहम्मद उमर का परिवार पिछले 40 वर्षों से दिए बना रहा है। अलगावादी नेता यासीन मलिक और उसके सहयोगी रफीक पहलू रूबिया सैयद के अपहरण मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू की विशेष अदालत के सामने पेश हुए। वहीं CBI की अदालत में जांच किए गए दो चश्मदीदों ने मामले में एक अन्य आरोपी अली मोहम्मद मीर की पहचान कर ली है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की गई है। जिला उधमपुर में पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में स्थापित गंडोला यहां के एडवेंचर टूरिज्म को फिर से जिंदा कर रहा है। भारत फ्रांस की इस संयुक्त परियोजना का टूरिस्ट भरपूर लाभ उठा रहे हैं। रोजाना 500 से ज्यादा पर्यटक और स्थानीय लोग गंडोला की सैर का अनुभव कर रहे हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता अल्विस यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेप पार्टी आयोजित करने का आरोप लगा है। वो इस जहर का इस्तेमाल करते हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए हैं। वहीं मेनका गांधी ने अल्विस यादव की गिरफ्तारी की मांग की है।
जम्मू संभाग के सीमावर्ती जिले पुंछ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा के पास गांव गुलपुर में भारतीय सेना द्वारा पैरा ग्लाइडिंग का आयोजन किया गया। दोपहर करीब 12 बजे बेताड़ नदी के पास सीमावर्ती गांव अजोट में पैरा ग्लाइडिंग का आयोजन हुआ। करीब 20 मिनट तक हवा में उड़ान भरी गई और गुलपुर हेलीपैड पर सुरक्षित उतर गई, जिसे देख लोग हैरान हो गए।